हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, टुडे आई विल मेक दिस ब्यूटीफुल पैटर्न। आज हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे। देखिए कितना प्यारा है। दिस इज सिंगल कलर्ड पैटर्न। ये पैटर्न सिंगल कलर में बनता है। देखिए कितना प्यारा है। यू कैन यूज दिस पैटर्न इन एनी स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, किसी में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, दिस इज रॉन्ग साइड एंड दिस इज राइट साइड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पैटर्न है हमारा, ये 20 रोज रिपीट पैटर्न है। दिस पैटर्न इज ओनली 20 रोज रिपीट पैटर्न। यहां से यहां तक 20 सिलाई हैं। ये एक डब्बी जो है 10 सिलाई में बनती है, फिर फंदे चेंज हो जाते हैं। ये पैटर्न यहां पर बन रहा है देखिए, और ये पैटर्न यहां पर। तो जब फंदे चेंज होकर बनती है तो फिर से 10 सिलाई बनानी पड़ती है इसी पैटर्न की। तो इस तरह से यहां तक ये 20 सिलाई हुई और 20 फंदों पर ही ये पैटर्न हमारा बनता है। 10 फंदे ये हैं, 10 फंदे ये हैं, तो ये 20 फंदे हुए। यू नीड टू कास्ट ऑन मल्टीपल्स ऑफ 20 प्लस 2 स्टिचेस फॉर दिस पैटर्न। आपको इस पैटर्न के लिए 20 के मल्टीपल में 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, जो कि स्टिच के लिए होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाकर देखते हैं। लेट्स बिगिन। I have 22 stitches on my needle. This is first row on right side. ये right side है और ये first row है। एज स्टिच स्लिप कर लिया। अगले दो फंदे हम एक साथ बुनेंगे, knit two together. Knit two together, yarn over. देखिए ये जो हमें इस तरह से जाली बनानी है, 4 बार जाली बनानी है और दो दो फंदों का एक एक बनाते जाना है 4 बार ही। तो ये यार्न ओवर, नीट टू टुगेदर, यार्न ओवर 1, नीट टू टुगेदर, यार्न ओवर 2, नीट टू टुगेदर, यार्न ओवर 3, नीट टू टुगेदर, यार्न ओवर 4, नीट 1। लास्ट में हमें एक फंदा सीधा बनाना है। तो देखिए हमने यहाँ पर दो फंदों का एक बनाया, फिर ये जाली बनाई, एक फंदा बढ़ाया, फिर दो का एक बनाया, फिर जाली बनाई, फिर दो का एक बनाया, फिर जाली बनाई, फिर दो का एक बनाया। तो 4 बार हम दो का एक बनाते हैं और जाली बनाते हैं 4 बार, और लास्ट में हमें एक फंदा सीधा बनाना होता है। यार्न इन फ्रंट पर 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक फंदा ये ज्यादा हो गया हमारा, फालतू हो गया, यहाँ पर एक घटा लेते हैं। स्टिच मैंने सीधा बना लिया। तो देखिए 10 फंदों पर ये पैटर्न बना है, 10 फंदे हमने उल्टे बुने हैं, और ये है रोंग साइड रो 2 ऑन रोंग साइड। पर्ल ऑल स्टिचेस फॉर दिस रो, रो 3 ऑन राइट साइड, स्लिप 1। अब देखिए पहले हमने क्या किया था, पहले दो फंदों का एक बनाया था, उसके बाद हमने यार्न ओवर किया था। अब हमें क्या करना है, पहले हमें यार्न ओवर करना है, उसके बाद हमें दो फंदों का एक बनाना है। यार्न ओवर 1, यार्न ओवर 2, नीट टू टुगेदर, यार्न ओवर 3, नीट टू टुगेदर, यार्न ओवर 4, नीट टू टुगेदर, और ये जो लास्ट वाला फंदा है ये हम सीधा बना देंगे। यार्न इन फ्रंट पर्ल 10 स्टिचेस। अब ये 10 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं, स्टिच सीधा बनाना है। रो 4 पर्ल ऑल स्टिचेस।
आई हैव फिनिश्ड फोर रोज, रो फाइव ऑन राइट साइड, इसमें फर्स्ट रो ही रिपीट होगी, स्लिप दिस वन, निट टू टुगेदर, यर्न ओवर फोर टाइम्स, यर्न ओवर वन, निट टू टुगेदर, यर्न ओवर टू, निट टू टुगेदर, यर्न ओवर थ्री, निट टू टुगेदर, यर्न ओवर फोर, निट वन, लास्ट में हमें एक फंदा सीधा बुनना है, यर्न फ्रंट, ये सारे फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, पर ऑल स्टिचेस, ये जो 20 फंदे हैं, 10 ये 10 ये, यही आगे रिपीट होते हैं। अगर इसमें आगे और ये फंदे होते या और हम आगे बुनते तो ये वाला पैटर्न बनना था इन 10 फंदों के बाद, और फिर इन 10 फंदों के बाद ये वाला, ऐसे बनता जाता है। स्टिच सीधा, रो 6 पर्ल और स्टिचेस, रो 7 ऑन राइट साइड, इस वाली सिलाई में तीसरी सिलाई ही रिपीट होगी जैसे हमने तीसरी सिलाई बनाई थी, स्लिप दिस वन। अब यार्न ओवर पहले करेंगे और दो फंदों का एक बाद में बनाएंगे, यार्न ओवर वन, यार्न ओवर टू, निट टू टुगेदर, यार्न ओवर थ्री, निट टू टुगेदर, यर्न ओवर फोर, निट टू टुगेदर, और ये वाला सीधा बुनेंगे, निट वन, यर्न इन फ्रंट, निट पर्ल 10, आई हैव फिनिश्ड 7 रोज, रो 8 ऑन रॉन्ग साइड, पर्ल ऑल स्टिचेस, रो 9 ऑन राइट साइड, फिर से इसमें फर्स्ट रो रिपीट होगी, फर्स्ट रो इसमें दो बार और रिपीट होती है, फर्स्ट और फिर फिफ्थ और फिर नाइन्थ, स्लिप दिस वन, नीट टू टुगेदर, यर्न ओवर फोर टाइम, यर्न ओवर वन, नीट टू टुगेदर, यर्न ओवर टू, नीट टू टुगेदर, यर्न ओवर थ्री, नीट टू टुगेदर, यर्न ओवर फोर, नीट वन, यर्न इन फ्रंट, पर्ल 10, स्टिच सीधा बुनेंगे, आई हैव फिनिश्ड 9 रोज, रो 10 ऑन रॉन्ग साइड, पर्ल ऑल स्टिचेस, ये देखिए फ्रेंड्स 10 सिलाई कंप्लीट हो गई है और एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये वाला पैटर्न यहां बनेगा और ये वाला पैटर्न यहां बनेगा, बस फंदे चेंज हो जाएंगे और पैटर्न सेम रहेगा। तो मैं आपको पहली दो सिलाई बनाकर दिखाती हूँ, दो या तीन सिलाई, बाकी का पैटर्न सेम बनेगा। रो 11, स्लिप दिस वन, पर्ल 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें इस वाले पैटर्न में एक फंदा कम है हमारे पास, हमें यहाँ पर पहले एक फंदा सीधा बनाना होता है, और ये मेरा जो सीधा फंदा है वो मैंने स्टिच ले लिया, जबकि मुझे एक फंदा यहाँ पर एक और रखना था। हर बार हमें एक फंदा यहाँ सीधा बनाना होता है, तो इस तरह से ये पैटर्न हमारा आएगा, इसलिए मुझे एक फंदा यहाँ पर कम पड़ रहा है।
तो आप जब पैटर्न बनाएंगे तो यहाँ पर एक फंदा आप सीधा रखेंगे, तभी मेरा एक फंदा इधर बढ़ा था। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा स्टिच नहीं है यहाँ पर, तो ये 10 फंदे हैं, 1 2 3 4 5, ये 10 फंदे हुए। अब बताती हूँ मैं कैसे बनता है। देखिए वो मेरे याद ही नहीं आता, उसके लिए सॉरी। पहले एक फंदा हम सीधा बनाते हैं, ये फंदा सीधा बना, अब दो का एक बनाएंगे, नेट टू टुगेदर, यार्न ओवर 4 times, यार्न ओवर 1, नीट टू टुगेदर, यार्न ओवर 2, नीट टू टुगेदर, यार्न ओवर 3, नीट टू टुगेदर, यार्न ओवर 4, नीट 1। शुरू में भी एक फंदा हम सीधा बनाते हैं, लास्ट में भी एक फंदा सीधा बनाते हैं, बीच में ये जाली बनती रहती है। तो इस तरह से होता है, और स्टिच है ये हम सीधा बना लेंगे। ये हर बार रोंग साइड पर सारी सिलाइयां हमारी उल्टी उल्टी आती है, रो 12 पर ऑल स्टिचेस, रो 13, देखिए 13वीं सिलाई है ये, स्टिच मैंने स्लिप कर लिया, धागा आगे करेंगे ये फंदे। अब मैं यहाँ पर एक बढ़ा लेती हूँ, हमारा एक यहाँ पर कम था, तो ये फंदे अब हमें 10 बनाने हैं, 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यार्न इन बैक, नीट 1। हमें सबसे पहले एक फंदा सीधा बनाना होता है, उसके बाद ये जाली वाला पैटर्न बनाना होता है। तो स्टिच स्लिप करने के बाद एक फंदा सीधा बनाना था हमें हर बार, उसके बाद ये पैटर्न बनना था, लेकिन हमने स्टिच स्लिप करने के बाद ये पैटर्न बना दिया। पैटर्न सही बनाया बिल्कुल, लेकिन एक फंदे की यहाँ पर सीधे फंदे की कमी रही बस, तो वो सीधा फंदा यहाँ पर है, मैं इसलिए ये बनाकर दिखा रही हूँ। अब क्या करना है हमें, पहले हमने दो फंदे, पहले 2 का 1 बनाया था, अब हम पहले 2 फंदे का 1 नहीं बनाएंगे, पहले हम जाली बनाएंगे। एक बार हम पहले जाली बनाते हैं, एक बार हम बाद में जाली बनाते हैं। यार्न ओवर, नीट टू टुगेदर, यार्न ओवर 2, नीट टू टुगेदर, यार्न ओवर 3, नीट टू टुगेदर, यार्न ओवर 4, नीट टू टुगेदर, और ये वाला लास्ट वाला सीधा बना देंगे, स्टिच भी सीधा बना देंगे, नीट 1 एंड नीट 1। देखिए 13 सिलाई कंप्लीट हो गई है, रो नंबर 14 पर्ल और स्टिचेस। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 14 सिलाई बना दी है, और अब वैसे ही बनेगा ये पैटर्न जैसे मैंने यहाँ बनाया है। ये शुरू में एक फंदा सीधा बनाएंगे, उसके बाद ये जाली वाला पैटर्न बनता जाएगा। देखिए अब मैं इसे पूरा बना लूंगी, फिर आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। देखिए एक फंदा ये सीधा ही बनता है हर बार। अब एक 2 फंदों का 1 बनाएंगे, मैंने आपको बताया था एक बार हम 2 फंदों का 1 बनाते हैं, उसके बाद जाली डालते हैं। अगली बार में हम पहले जाली डालते हैं, फिर 2 फंदों का 1 बनाते हैं। तो अब हमें 2 फंदों का 1 बनाना है पहले, और उसके बाद जाली डालनी है, तो बस यही चेंज करते रहते हैं। फिर से 2 फंदों का 1 बनाएंगे, ये 4 बार रिपीट होता है। यार्न ओवर 2, 2 का 1 बनाएंगे, यार्न ओवर 3, 2 का 1 बनाएंगे, यार्न ओवर 4, अब सिंगल फंदा बुनेंगे, और ये फंदा सीधा बुनेंगे स्टिच। तो इस तरह से हमारा ये जाली वाला पैटर्न बनता जाएगा, और ये लाइनें हमारी 5 हो जानी चाहिए, तो ये 10 फंदे 10 लाइन अपने आप ही
बनी हुई दिखेगी। तो ये कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है कि हमारी 10 लाइन है कि नहीं, तो हमें ये वाली 5 गिन लेनी चाहिए, 1 2 3 4 5। जब ये 5 हो जाती हैं तो हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। अब मैं ये पैटर्न आपको पूरा बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 20 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, 10 ये और 10 ये, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन्स हो गई है। तो इस तरह से ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब ये पैटर्न यहाँ पर आएगा और ये पैटर्न यहाँ पर आएगा, तो इस तरह से ये एक्सचेंज होते रहते हैं, 10-10 फंदे। तो यहाँ पर मेरा एक फंदा मिस हो गया था, तो मैं आपको एक बार यहाँ से शुरुआत करके बताती हूँ आपको यहाँ से कैसे शुरुआत करनी थी। बाकी सारा ठीक है, शुरू का एक फंदा मिस हो रखा था, स्टिच मैंने स्लिप कर लिया, एक फंदा सीधा बुनने में। स्टिच स्लिप करने के बाद हमेशा एक फंदा सीधा बुनना है और उसके बाद पैटर्न शुरू करना है, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था, जैसे हमने स्टिच के बाद ये पैटर्न बनाया है, और जैसे हमने ये पैटर्न बनाया है सेम अब ये वैसे बनेगा। दो फंदों का एक बनाएंगे, चार बार यार्न ओवर करेंगे, फिर से दो फंदों का एक बनाएंगे, चार ये यार्न ओवर, दो का एक बनाया यार्न ओवर 3, फिर से दो का एक बनाया यार्न ओवर 4, ये फंदा सीधा बनाएंगे। देखिए ऐसे बनता है, स्टिच के बाद हमें ये फंदा सीधा बनाना है और उसके बाद ये जाली वाला पैटर्न बनाना है, जैसे हमने यहाँ से बनाया था। अब ये 10 फंदे उल्टे बनाएंगे ऐसे ही। तो इस तरह से हमारा पैटर्न बनता है ये। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। देखिए जब आप ये बनाते जाएंगे तो आपका पैटर्न इस तरह से बनकर आएगा। तो देखिए कितना प्यारा पैटर्न है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।